happening. हे व्हाट्स अप गाइस, क्या कर रहे हो आप लोग, और स्वागत है आपका हमारे नए गेम प्ले सीरीज के अंदर, जहाँ पे हम खेलने वाले हैं सोलो वर्सेस स्क्वाड गेम प्ले। ऑब्वियसली नीमो टपक जाएगा और इस वाले गेम प्ले में आपको काफी ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि हमने काफी दिनों के बाद DP28 इस्तेमाल की है। वैसे मैं DP28 यूज नहीं करता, पर इस गेम में हम लोग इसको यूज करेंगे और इसका एक सिंपल सा रीजन है। अब देखो, DP28 है, हमें पता ही है कौन चलाता है पूरे कम्युनिटी में, पबजी कम्युनिटी में। उसके कारण नहीं चला रहा मैं DP28, मैं इसलिए चला रहा हूँ क्योंकि मेरे को उतरते ही ये मिल गई और सामने तीन नियत्ते मिल जाए, और एक नियत्ते क्लियर को DP28 प्लस तीन नियत्ते मिल जाए तो क्या चाहिए उसको पबजी लाइफ में। पीछे नियत्ता भाग रहा है ये गली में। तो यहाँ पे या तो इनकी किस्मत काफी खराब थी या फिर मेरी किस्मत काफी अच्छी थी। इनमें से सिर्फ एक प्लेयर को गन मिली थी, वो भी ये बेचारा था, पर ये कंफ्यूज हो गया आगे टीपी पी ले या पीछे टीपी पी ले। फिर मैंने कहा भाई तू कहीं भी टीपी पी मत ले, हम तुझे पीछे से मार लेते हैं, उसके बाद जाओ लॉबी में या फिर अपने प्लेयर को स्पेक्टेट करो, क्योंकि इनका चौथा बंदा यहाँ पे कूदा ही नहीं था, अदरवाइज कूदा था तो एक और नियत्ता मिल जाता। फिर मैंने सोचा ये जो नियत्ता भाग रहा है यही तो नहीं, पर ये एक्चुअली में नहीं था, मैं तो इसके पीछे बस अंधाधुंध घुसे जा रहा था और हमारा नीमो टीवी पीछे आ ही जा रहा था। इधर ओपन से आया, ओपन से। एंड सीरियसली DP28 का जो नॉन एडीएस वाला शॉट है वो काफी एक्यूरेट होता है इस रेंज के अंदर, इसलिए DP28 बहुत ही बीस्ट गन बन जाती है यहाँ पे। बट अगर ज्यादा ही क्लोज रेंज की फाइट हो गई तो वहां पे मुझे लगता है AKM वाला ही जीतेगा ऑब्वियसली, क्योंकि AKM का फायर रेट ज्यादा है, M762 का फायर रेट ज्यादा है, ग्रोजा का फायर रेट ज्यादा है। और ये बंदा चुपचाप यहाँ पे आ गया, बोला भाई हम मुझे मार दे, मेरा चौथा बंदा झारखी की वादियों में गाड़ी में कैंप करके बैठा पड़ा है, PMS देख के आया पड़ा है। तो मैंने कहा ठीक है भाई मार देते हैं। तो इसके पास सिर्फ M16 थी और यही रीज़न था ये कुछ नहीं कर पाया। अगर इसके पास ऑटोगन होती तो मैं यहाँ पे नॉकआउट तो कंफर्म था, बट एटलीस्ट नहीं थी इसके पास ऑटोगन, तो ये यहाँ पे मारा गया। और ये वाला गेम प्ले में गाइस, अगर आपको ये DP का क्लच अच्छा लगा हो, मेक श्योर आप लाइक बटन दबाओ, आपके एक एक लाइक बटन से हमें मोटिवेशन मिलता है और हम और नियत्ते मतलब नियत्ते के साथ गन वाले बंदे भी मारते हैं। तो इस वीडियो पे एम करते हैं पूरे एक लाइक का फ्रॉम वन व्यूअर, और मुझे पता है आप लोग कर दोगे, तो जाओ अंधाधुंध लाइक ठोक दो। तो पहले आते हैं निहत्ते वाले बदकिस्मत, फिर आते हैं वो लोग जिनको उतरते गन तो मिल जाती है लेकिन फिर बगल वाले कंटेनर से कोई इनको मार के नॉकआउट कर देता है, फिर उनको गन मिलना ना मिलना बराबर होता है। फिर आते हैं वो लोग जो 10 मिनट से जॉर्जपोल कंटेनर पे है, फिर भी मिली तो मिली क्या SKR से शॉटगन, मतलब सीरियसली अगर इनके पहले बंदे के पास कोई अच्छी गन होती तो मेरा वहां पे बचना चाह के भी पॉसिबल नहीं था, नॉकआउट होना तो कंफर्म था। लेकिन इन बेचारों की किस्मत खराब थी कि इनके पास गन ही अच्छी नहीं थी, तो चाह के भी हम कुछ कर नहीं सकते थे इनके लिए। और रही बात यहाँ पे अभी एक और स्क्वाड है जो हमारे सामने वाले कंटेनर पे, एंड गाइस ये वाला गेम प्ले काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इसमें कुछ ज्यादा ही फ्यूचर कॉन्करर्स है हमारे, सिटी से फ्यूचर कॉन्करर्स बोला जाए। जो आप सिटी देख रहे हो पहाड़ पे, वहां पे भी 3 स्क्वाड है जो हमसे बाद में जाके लड़ते हैं, तो वो वाली फाइट तो काफी इंटरेस्टिंग रहती है। मतलब एक तरीके से कह सकते हो जॉर्जो से ज्यादा बंदे तो यहाँ पे सिटी में आए हुए थे, अगर हम सिटी में गए होते तो मजा ही आ जाता। कंटेनर्स के ऊपर था। दिखा तो एक है बट जब पहले देखा था तब दो थे। Enemies ahead. चलो पता है तुम वर्जिन हो, लेकिन दुनिया को बताने की क्या जरूरत है। और रही बात ऐसे टीममेट मेरे को भी चाहिए जिसको पता वो मरने वाला है, बट फिर भी अपने टीममेट को बचाने के लिए वो गया, एटलीस्ट गया, तो इस बात पे तो सैल्यूट उसको। और रही बात ये फ्लेयर ड्रॉप यहाँ पे आई कब, और यहाँ पे ये आई तो लूट के इसको गया कौन, मतलब यहाँ पे हमारे आंखों के सामने फ्लेयर ड्रॉप मंगवाई गई
और लूट के चली भी गई। ये नीमो ने देख लिया कि लूटेड है, दूर से इसके पास स्कोप है, मेरे पास स्कोप नहीं है, तभी तो मैं देख नहीं पा रहा बंदों को। और रही बात नीमो हमारा सस्ता रही हुआ गाइज, माना सस्ता है लेकिन अफोर्डेबल है, एटलीस्ट हम लोग बंदे तो स्पॉट कर लेते हैं इसकी मदद से। और यहाँ पे देखते देखते हमारे पास सिटी वाली स्क्वाड भी आ गई, और मैं यहाँ पे गलत फुटस्टेप दे रहा हूँ, नीमो अलग एंगल से जा रहा है ताकि नीमो दूसरे बंदे को नॉकआउट कर सके। तो मैंने फुटस्टेप दिया बंदे को, वेट किया कि मैं यहाँ पे हूँ, और नीमो राइट साइड से उसका पूरा फायदा उठाया, और देखते ही देखते हमें किल मिल चुकी है। अब इससे पहले इस डायनेमो का घचो घचो होने से रुक जाए, हम लोग सोच रहे हैं कि रशी कर देते हैं इनके ऊपर। सल्लू भाई, सल्लू भाई गाड़ी कहाँ है भाई देवी? कहाँ रही? सल्लू भाई की गाड़ी एक्चुअली में यहाँ थी, और इतने में हमारे ऊपर निंजा हथौड़ियों की पूरी स्क्वाड आ चुकी थी, मतलब पहाड़ों के ऊपर पूरी स्क्वाड दिख रही थी। अब इनको देख के एक चीज़ तो पता लग गई, ये लोग पहाड़ों के ऊपर चढ़ के फंस चुके हैं, क्योंकि उनको सिटी के फ्यूचर कॉन्करर्स मार रहे हैं, पीछे से हम मार रहे हैं। तो मैंने बस एक कॉल आउट दिया कि अगर इनको इतना लोग मार ही रहे हैं तो हम लोग घुस के इनको ख़त्म ही करके आ जाते हैं। फिर क्या था, स्मोक की गाड़ी पे और गाड़ी निकाली और कर दिया रश सिटी वालों के ऊपर, क्योंकि इससे अच्छा मौका कभी नहीं मिलने वाला था। ये लोग फंसे हुए थे पूरी तरीके से, एक तरीके से ये लोग चाह के भी कुछ नहीं कर सकते थे। हाँ बस इधर ही रोकता हूँ, ये देखो इधर हिल पे ही है ना। देखे देखे, अरे यार लेटा हुआ है ये टावर के सामने शायद। हाँ टावर के सामने ये खड़ा हुआ। नाइस, हिल 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 कार के पीछे। हाँ मेरे को सच में समझ में नहीं आ रहा है सिटी में कितने बंदे हैं, मतलब ये बंदा अब निकल के आ गया जो जोश में मारने के लिए। मैंने कहा भाई इतने मत मार भाई, मारा जाएगा, DP28 हमारे पास में। तो ये आया था बेचारा मारने के लिए, लेकिन मर के चला गया। मैं कुछ और भी बोल सकता था लेकिन वो फिर 18 प्लस हो जाता है, और इतने में हमारे जस्ट नीचे एक और प्लेयर आ चुका है। मतलब एक तरीके से ये कब आया, मतलब ये प्लेयर्स आ कहाँ से रहे और कैसे आ रहे, क्यों आ रहे, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। फिर क्या था, मैंने नीमो को बोला नीमो इसके ऊपर हम लोग रेड जोन बनाते हैं, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो इसके बस हमने बॉम्ब बारिश कर दी, इसको हमने रेड जोन बना दिया, और हमारा नीमो पता नहीं कहाँ बॉम्ब फेंके जा रहा है। पहला बॉम्ब इसका एकदम गलत जगह गया, और दूसरा बॉम्ब तो पानी में गया, एक तरीके से पानी में मछली मारने की तैयारी कर रहा है क्या बॉम्ब से, ऐसे भी तो नहीं होता ब्रो। तो यहाँ पे सामने वाले घर में एक तरीका बताऊँ रश करने का, वो वन ऑफ द इजिएस्ट तरीका है पबजी मोबाइल में, अगर आपको इस घर में स्क्वाड मारना है तो। बट मेक श्योर आपका एक बंदा ऐसा होना चाहिए जिसको TPP लेना ढंग से आता हो, मतलब वो रश ना कर दे अंधाधुंध। तो बस क्या करो, अपने बंदे को बोल दो गाड़ी जाके लेफ्ट वाले वॉल पे ठोक दो, और आप जाके राइट से कवर दो। इससे होगा ये कि वो चाह के भी खिड़की पे तो नहीं आ पाएंगे, अगर खिड़की पाएंगे तो आप उनको नॉकआउट कर दोगे, जैसे मैंने इसको कर दिया नॉकआउट। और गलती से अगर वो मतलब आ भी जाते हैं तो आपके पास काफ़ी जगह होती है, दीवार में TPP लेने की भी जगह है जहाँ से नीमो हमारा देख के उनको मार सकता है। तो एक तरीके से काफ़ी ज़्यादा बेकार घर है ये, इस घर में कई सारी स्क्वाड फंस जाती है अनलेस अनटिल अगर ये इस घर जोन के अंदर ही बना हो तो। तो यहाँ पे ये लोग फंसे पड़े हैं, नीमो ने यहाँ पे नॉक कर दिया, और इतने में ये बंदा सिर्फ एक गोली से बच गया। एंड बिलीव मी DP28 सच में काफ़ी खतरनाक वेपन है इन टर्म्स ऑफ एक्यूरेसी, मतलब काफ़ी मज़ा आता है DP28 चला के। और नीमो भाई अकेले मत घुस भाई। रिवाइव दे रहा है, एक नॉक है। घुस जाओ, और यहाँ पे वो चीज हुई जो हर गेमर के साथ होता है, और ये हर गेमर के साथ अभी भी होता है। तो हमारा नीमो यहाँ पे AFK जा चुका था थोड़ी देर के लिए, कारण सिंपल सा था कि उसको अपनी मम्मी से डांट पड़ रही थी क्या पबजी खेलता रहता है दिन भर। मतलब इसी वक्त AFK गया जब पूरी स्क्वाड ने यहाँ पे मेरे ऊपर रश किया, और हमारा नीमो TV काम से बाहर हो गया, मतलब एक तरीके से इसका सर्वर टाइम आउट हो गया, मतलब क्या हो गया पता नहीं। बट बताना जरूर आप में से कितने सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ हो कि आप पे स्क्वाड ने रश किया और फिर आपको एकदम से
मम्मी से डांट पड़ी हो, बेटा क्या कर रहे हो, जाके दूध ला दो, सब्जी ला दो, धनिया ला दो, पुदीना ला दो, और आप चाह के भी कुछ नहीं कर सकते, बताना जरूर किस किस के साथ ऐसा हुआ है। मेरे साथ तो गलत टाइम पे हो गया, मतलब नीमो बेचारा AFK जा चुका है और इसके साथ जो कांड होने वाले हैं वो कुछ भी नहीं कर सकते हम इसके बारे में, मतलब ये स्क्वाड आई और नीमो टीवी को मार के चली गई। सीडीओ के पास दोनों लो है पर अभी देख के नहीं। दो बचे और ओपी। तो यहाँ पे इस क्लच का जो मेन रीजन कोई और नहीं बल्कि ये खुद की स्कोर जो ये आई थी ये खुद थे, क्योंकि इन्होंने जिस टाइप से टीम वर्क में काम किया, एक बंदा नेड कर रहा है, एक बंदा नेड पे रश कर रहा है, आपने देखा वो पहला बंदा नेड के ऊपर से चढ़ के आया मेरे ऊपर रश करने के लिए, और M249 के साथ वो घुस गया स्मोक में मारने के लिए, वो तो अच्छा है स्मोक से मैंने उसको अंधा बना दिया था, अदरवाइज M249 से जीतना पॉसिबल था ही नहीं, और उस बंदे ने भी बिल्कुल अंधाधुन गोली चलाई थी क्योंकि उसको कुछ दिख ही नहीं रहा था, लेकिन स्मोक के अंदर मुझे उसकी गोलियों के वो दिख गए थे, स्पार्कल्स बोला जाए जो चमकता रहता है वो दिख गया था, तो मैंने बस उस पर गोली चला दी और वो वहाँ पे नॉकआउट हो गया। और रही बात जिस टाइप का सर्कल बना है, पूरे सर्कल में एक ही कंपाउंड है और मुझे पता था उस कंपाउंड में कोई ना कोई तो होने ही वाला है। ओ बंदे ओ भाई 1v3 नहीं अभी है शायद 1v3 पूरे सामने पत्थर पे है शायद एक। तो बेसिकली यहाँ पे मैं अपने चार्जर को निकाल रहा था क्योंकि इस चार्जर के चक्कर में मैं दो बार पिटते पिटते बच गया, क्योंकि मैं ये वाला गेम प्ले बेड पे खेल रहा हूँ तो बेड पे चार्जिंग का जो एंगल है वो अलग जगह से आता है तो थोड़ा सा मतलब कंफर्टेबल फील नहीं होता, और ये जो स्क्वाड है मुझे लगा इन्होंने मेरे को स्पॉट नहीं किया, बट ये लोग भी समझदार थे, ये लोग स्पॉट करके बैठे हुए थे और इनका एक स्नाइपर बाबा पीक करके बैठा हुआ था, बट वो लेफ्ट पे पीक करके बैठा था, मैं भी समझदार निकला, मैंने राइट से पीक करके इसके दूसरे बंदे को नॉकआउट कर दिया। अब देखो इस केस में आप एक ही चीज कर सकते हो, आप गाड़ी जाके जोन में कुछ ऐसा ढूंढ लो जहाँ पे आप उतरते ही कवर बना सको, इसके अलावा तो कोई चांस ही नहीं है जीतने का यहाँ पे, क्योंकि आप जोन के बाहर हो तो अगर आप जोन के अंदर जाओगे तो आप पूरी तरीके से ओपन में फंस जाओगे और उनके पास एक पत्थर भी है, तो मैंने बस यहाँ पे रिस्क लिया, और हम सभी को पता है रिस्क के आगे जीत है, फलाना ड्यू ऐड नहीं करूंगा, पैसे नहीं दिया उन्होंने। तो गाइस आशा करता हूँ आपको गेम प्ले अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और बताना जरूर कि आगे मैं किस टाइप के गेम प्ले लाऊं, और इस केस में मैं यहाँ पे पैदल नहीं जाने वाला क्योंकि पैदल जाके फायदा नहीं है, वो अभी भी नॉकआउट हुआ है, तो बगल में गाड़ी है तो गाड़ी बस चढ़ा दो ठीक है। तो गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इस घटिया साउंड के साथ जिसका म्यूजिक लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सायो। नारा क्या क्या करना पड़ता है यार।